हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं रोस्टेड मटन रान। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक रान ले ली है, ये मटन का एक लेग है पूरा। आज हम इसको रोस्ट करेंगे। ये वजन में आधा किलो के बराबर है, आप चाहे तो बड़ी भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने से पहले हम इस पर थोड़े से कट्स लगा देते हैं। अब हम एक चाकू लेंगे और इस पर इस तरीके से कट लगा देंगे। ये देखिए, हमने रान पर कट लगा दिए हैं दोनों तरफ से। इस तरफ भी हमने कट लगा दिए हैं, ये देखिए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन का मसाला बनाने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर लेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच नमक लेंगे, थोड़ा सा दही डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लें। ये देखिए, हमने इन सबको मिक्स कर लिया है। अब हम रान पर ये मसाला लगा देंगे। सारे जो कट्स हमने लगाए हैं उसमें भी मसाला भर दीजिए। अच्छे से इसको कोट करना है। अगर आप रान बड़ी ले रहे हैं, 1 किलो या उससे ऊपर की ले रहे हैं, तो आप इस मैरिनेशन के पेस्ट के अंदर कच्चे पपीते का पेस्ट भी मिक्स कर दें। उससे क्या है कि मटन जल्दी गल जाता है। मैंने रान छोटी ही ली है, इसलिए मैंने इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट नहीं डाला है। इसमें आपको वाइट विनेगर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें नींबू डाल दिया है। थोड़ा सा मसाला हमने बचा लिया है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। रान को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसको फॉइल पेपर में पैक कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक फॉइल पेपर ले लिया है। अब इस रान को इस पर रख देंगे। इसको अच्छे से हमें पैक करना है। ये देखिए, हमने इसको पैक कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको स्टीम करेंगे। रान को स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। ये देखिए, पानी बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ये एक स्टैंड के तौर पे रख दूंगी। आपके पास कोई स्टैंड हो तो रख लीजिए। मेरे पास स्टैंड छोटा है, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। इससे क्या होगा, पानी जो है वो रान को टच नहीं करेगा। इस तरीके से ही रखना है आपको कि पानी रान को टच ना करे। और इस तरीके से आपको लगा देना है। और अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। अब हम रान को 30 से 40 मिनट तक स्टीम करेंगे। रान को स्टीम होते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे, पेपर को हटा देंगे। ये देखिए, हमने फॉइल पेपर से रान को बाहर निकाल दिया है। अब जो बचा हुआ मसाला हमने रखा था वो हम इस पर लगा देंगे वापस। यहाँ पर हमने एक बारबेक्यू स्टैंड ले लिया है। अब ये रान हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इस पर ऑयल लगा देंगे।
अब इसको पलट देंगे। बारबेक्यू स्टैंड नहीं है तो आप ये प्रोसेस ओवन में भी कर सकते हैं। ये देखिए तैयार है हमारी रोस्टेड मटन रान। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।